और बड़ी खबर आज की बता दें, राजस्थान के भिवाड़ी में अलकायदा मॉड्यूल का ट्रेनिंग कैंप का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की और हथियार चलाने की ट्रेनिंग इस इलाके में दी जा रही थी। 6 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोला बारूद, आतंकी विचारधारा की किताबें भी बरामद की गई हैं। इनकी मदद ली गई जो आतंकी तैयार कराए जा रहे थे। 5 राज्यों में अब ऑपरेशन चल रहा था। तो 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। एक बड़ा मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। अलकायदा मॉड्यूल के पर्दाफाश होने पर जयपुर रेंज के आईजी अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। सस्पेक्ट आए, उनको करीब संख्या में 6 लोग थे जिनको वहाँ पुलिस को हमने गिरफ्तार करके उनको सपोर्ट किया गया था। और बाकी शेष जो कार्रवाई थी वो तो कि दिल्ली पुलिस इसमें स्पेशल सेल्स में डील कर रही। राजस्थान पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कि कहाँ कहाँ जैसे लोगों का हाइड हाउस थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है, इस प्रकार की कोई जानकारी विशेष रूप से वहाँ दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से कार्रवाई करें। आपको बता दें कि अलकायदा मॉड्यूल ट्रेनिंग कैंप का जो पर्दाफाश हुआ है उससे क्या जुड़ी डिटेल सामने आ रही है। राजस्थान के भिवाड़ी में था अलकायदा मॉड्यूल का ये ट्रेनिंग कैंप, जो पहली बड़ी जानकारी मिल रही है। और युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, सोशल मीडिया से युवकों को प्रभावित किया जाता था। ट्रेनिंग कैंप में जूडो कराटे भी सिखाया जाता था। हथियार बनाने और चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी इन लोगों को। ट्रेनिंग कैंप में बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी इन आतंकियों को। तो एक बहुत बड़ा खुलासा जिसमें लगातार जो राजस्थान की पुलिस है वो भी संपर्क में है दिल्ली पुलिस के, और ज़्यादा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है।